तो ये फूल बहुत दिन का हो गया, तो इसकी पत्तियां हल्की हल्की मुरझा गई हैं, लेकिन एकदम जब नया रहेगा तो और भी आकर्षक लगता है। तो यही सूरजमुखी का है खेती यहाँ पे। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? और अभी हम हैं अपने घर पे छत के ऊपर, देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। और चल रहे हैं बाहर घूमने, आपको बाहर का व्यू दिखाते हैं सुबह सुबह घूम के। और ये हमारा छत है, देखिए यहीं पे बिस्तर लगा के सोते हैं। रात को बहुत ही अच्छी नींद यहाँ पे आती है, हवा भी चलती है मस्त, तो इसलिए यहीं छत पे ही सोते हैं। और अभी 6 बज गए हैं, देखिए कितना ज़्यादा धूप निकल गया है। और छत पर से आप देख सकते हैं सामने ये नहर है, वहाँ पे जो नहर का वीडियो हमने आपको दिखाया था। और आप हमारा पूरा गांव देख सकते हैं यहाँ पे छत पर से कैसा दिख रहा है। ये जो तरकुल का पेड़ है, ताड़ गोला जो मुंबई में बोलते हैं। तो अभी चल रहे हैं हम नीचे। तो गाइस हम छत पर से नीचे आ गए हैं और गांव से बाहर चलते हैं, आपको सुबह सुबह सैर कराते हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ये हमारे घर के सामने गली है, गली पार करके जाना पड़ता है। यही गांव है हमारा। तो गए इस गांव के बाहर आ गए हम, और यही सड़क है, इसी सड़क से चलेंगे चौराहे की तरफ। तो ये देखिए यहाँ पे बांस था, तो पूरा बांस को उखाड़ दिए हैं। तो पहले यहाँ पे हरा भरा बांस था, कितना बड़े बड़े बांस थे, तो पूरा ख़राब हो गए हैं। और ये हमारे गांव का व्यू देख लीजिए बाहर से कैसा लग रहा है। तो दो चार घर दिख रहे हैं, क्योंकि उस तरफ के घर नहीं दिख रहे हैं। और यहाँ पे बाग है आम की, कुछ कुछ आम फरे हैं, देखिए छोटी सी बाग है, बहुत बड़ी नहीं है। और इस तरफ भी कुछ आम के पेड़ हैं, तो इसमें तो आम नहीं आए हैं, लेकिन आगे दो चार पेड़ है उसमें आए हैं। वो साइड में देखिए कितना आम फरा हुआ है, बहुत ज़्यादा ही उसमें है। तो यही चल रहे हैं सड़क के आगे। और सुबह का टाइम है, बहुत से लोग देखिए खेत में आ गए हैं अपना बकरी लेके, वहाँ पे बकरी चरा रहे हैं। देखिए कितने लोग हैं, आपको जूम करके दिखाते हैं, देखिए तो सब लोग बकरियाँ चरा रहे हैं। A few minutes later. तो गाइस गांव से ज़्यादा दूर आ गए हैं, और हमारे गांव का रोड आपको दिखाते हैं क्या हाल है हमारे गांव के रोड की। और ये जो रोड आप देख रहे हैं, 1 साल से ही बन रहा है, गिट्टी गिरी है लेकिन बन ही नहीं रहा है। और सामने जो नहर है उसका रोड अचानक से फटाफट बन गया, तो ये रोड 1 साल से ही ऐसे है, बहुत ही ख़राब है, अच्छा नहीं है, आने जाने में बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है, और पता नहीं कब बनेगा, आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं क्या हालत है, सब इधर गिट्टी गिरा हुआ है, और बाइक इस पे चलती तो ये गिट्टी छिटकती है, किसी को लग भी सकती है, आने जाने में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत है। तो अभी बहुत मतलब यहाँ का शासन क्या है रोड बनाने का, क्यों समझ में ही नहीं आता है, इतना टाइम लग जाता है, 1-1 साल से ज़्यादा हो गया रोड बन ही नहीं रहा है, और उधर नहर पे रोड फटाक से बन गया। यहाँ पे देखिए बकरियाँ चर रही हैं, घास खा रही हैं अपना, कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो आपके गाँव के रोड कैसे हैं तो अभी कमेंट करके बताएं, ऐसे ही वहाँ पे टूटे फूटे हैं क्या? गांव में बहुत सारे रोड ऐसे ही रहते हैं, गिट्टी डाल देंगे, 1-1 साल तक ऐसे पड़ा रहता है, उसको बनाते ही नहीं है। और इधर सब लोग क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में, देखिए ये मस्जिद है सामने, यहाँ देखिए खेत में धान का बीज डाला गया है, तो ये बड़ा होगा फिर धान बैठाया जाएगा खेत में, कितना हरा हरा लग रहा है। और सामने देखिए सूरज भगवान को। हेलो गाइस, तो हम चौराहे पे आ गए हैं, और यहाँ पे सनफ्लावर सूरजमुखी का खेती
खेती किया गया है, तो हम आपको चल के बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे फूल दिखाते हैं। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं सूरजमुखी का फूल। तो पास में ये सामने देखिए, सब सूरजमुखी हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और जिस तरफ सूरज है उसी तरफ इस फ्लावर का मुंह है, मतलब सूरज की तरफ ही ये फूल अपना मुंह करके रखते हैं, इसलिए इन्हें सूरजमुखी फूल कहते हैं। देखिए, तो अभी सूरज की दिशा देख सकते हैं आप, इस तरफ सूरज की दिशा है, तो इसलिए ये फ्लावर की दिशा भी इस तरफ है। और ये फ्लावर पे बहुत सारे अंदर ना मधुमक्खी घूम रहे हैं, तो मधुमक्खी अपना रस निकालने के लिए आते हैं, इस फ्लावर पे बैठते हैं, फिर यहाँ से रस चूस के लेके जाते हैं। कितना सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। आपने पहले देखा है फोटो में या वीडियो में सामने से देखा तो कमेंट करके बताएं। तो ये फूल बहुत दिन का हो गया, तो इसकी पत्तियाँ हल्की हल्की मुरझा गई हैं, लेकिन एकदम जब नया रहेगा तो और भी आकर्षक लगता है। तो यही सूरजमुखी का है खेती यहाँ पे। कितने अच्छे अच्छे रंग बिरंगे फूल हैं यहाँ पे, ये देखिए। अभी ये छोटा है, ये फूल इसमें बन रहा है। और ये देखिए, मधुमक्खियाँ यहाँ पे घूम रही हैं रस निकालने के लिए। तो यही सब है फ्लावर सूरजमुखी का। रोड के उस पार एक खेत है, वहाँ पे भी सूरजमुखी का खेती किया गया है, लेकिन इसके फूल बहुत ही आकर्षक हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो ये तो आपने देखा सूरजमुखी का फूल। अगर आपके आसपास भी खेती है, आप जानते हैं, सामने से देखें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने सिर्फ फ़ोटो में देखा तो भी बताएं। और अभी चौराहे पे चलते हैं, आपको चौराहा दिखा देते हैं, सुबह का कैसा सीनरी है, कितना पब्लिक यहाँ पे है या नहीं है। सुबह वैसे ज़्यादा दुकानें सब बंद ही रहती हैं, तो अभी यहाँ पे देखिए सब दुकान बंद है। तो यही चौराहा आप देख सकते हैं, दिन में बहुत पब्लिक यहाँ पे रहती है, और सामने चाय का दुकान है, सिर्फ उसी पे आपको पब्लिक दिख रही है अभी, नहीं तो कुछ ही लोग दिखेंगे यहाँ पे। तो ये चौराहा आपको देखने में छोटा लगता है, लेकिन आप कभी भी यहाँ पे शाम को आएंगे तो बहुत पब्लिक यहाँ पे मिलेगी आपको। सब दुकान बंद है, सिर्फ चाय और पान की दुकान खुली है अभी, और सामने ये नहर है। सामने आप जाएंगे तो बड़ा सा पुल है, जो हम कल गांव का वीडियो बनाए थे नहर वाला, उसमें आपने सब देखा ही है। 15 minutes later. हेलो गाइस, तो हम आ गए हैं अपना ये पोखरा पे, तालाब जो है, आम का पेड़ इधर है। तो हमने आज आपको अपने गांव की सड़क दिखाया, कितना ख़राब सड़क है। कुछ दोस्त लोग हैं गांव के जो सिटी में रहते हैं, वो लोग बोल रहे थे भाई गांव की सड़क का वीडियो बनाओ, तो हमने वीडियो बना दिया। आप लोग कमेंट करें वीडियो के नीचे। तो अभी गांव में है तो कुछ वीडियो ऐसे आता रहेगा, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर ज़रूर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।